राधे राधे, बताओ। अब हम बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक नंबर है। तो हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि अगर बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, तो उस पर टॉर्क लगता है और वो जो टॉर्क होता है MV sin थीटा होता है। अब अगर हम अच्छा, जहां पे थीटा उसके मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, अब अगर हम उसे इस टॉर्क के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, डी थीटा एंगल से घुमाना चाहें, तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा भाई। वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा। तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का आएगा, और जो सिग्निफिकेंस डिस्प्लेसमेंट का होता है वो सिग्निफिकेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आएगा। तो हमारे पास में रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन टाउ डी थीटा रहा, टाउ की जगह हमने MV sin थीटा रखना है, तो ये हो गया MV sin थीटा डी थीटा। तो मान लीजिए हम θ1 से θ2 एंगल के लिए डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास वर्क डन MV sin थीटा θ1 से θ2 आएगा, ठीक है। तो वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम θ इनिशियल टू θ फाइनल, तो जो वर्क है वही पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास में MV sin थीटा dθ, MV कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का डिफरेंस या इंटीग्रेशन करना है। तो भैया साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास में आएगा माइनस का MV cos थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। तो ये आ गया अपना। अब क्या होगा, अब आपके पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी, तो ये आपके हाथ में हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस माइनस को अंदर ले लिया तो ये सिक्वेंस चेंज हो गया। तो हम रेफरेंस पॉइंट चूज करने के लिए फ्री रहते हैं, तो हम रेफरेंस पॉइंट अधिकतर उसको मानते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट माना θ = 90 डिग्री वाले को, तो किसी पोजीशन थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी = MV cos of 90 - cos θ cos 90 0 होता है। तो u थीटा माइनस u रेफरेंस = -of MV cos θ। अगर रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया जाए तो थीटा एंगुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी -m·v। अब पोटेंशियल एनर्जी का यो है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, और पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कोई सिस्टम स्टेबल रहे उसके लिए जरूरी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव बनी रहे, ठीक है। तो अगर θ = 0 है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, -mv। θ = 90 पर 0 हो जाएगी, और θ = 180 पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी -of MV cos 180। cos 180 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा आपके पास में +mv, मतलब पॉजिटिव आते, अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एनसीईआरटी का एक सिमिलर एग्जांपल है। हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके पॉइंट को सेंटर मान के हमने एक सर्कल बनाया है। तो पॉइंट ए इसकी एक्सिस पर है, पॉइंट सी भी एक्सिस पर है, पॉइंट बी और पॉइंट डी इसके इक्वेटर पर है। हमें इन ए बी सी और डी वाले जो बार मैग्नेट्स हैं, जो कॉइल है, जो मैग्नेट है,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल होता है और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। तो देखिए डी पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल, बी पर भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है, एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया। तो यहां तक क्लियर। अब पॉइंट ए पर अगर देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, पॉइंट सी पर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, पॉइंट बी पर जो कि इसका इक्वेटर पॉइंट है यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। लेकिन सबसे पहले हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। चलिए पहले पर मैग्नेटिक मोमेंट देखें, तो हमने जो कहा था ए पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, बी पर एंटी पैरेलल, डी पर पैरेलल और सी पर एंटी पैरेलल। तो एक्सिस पर ए और सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि बी वन और बी टू सेम है और इसको हमने नाम दे दिया 2B1। अब 3 और 4 पॉइंट पर जो कि इक्वेटर पर है ना, वहां पर अपने पास में मैग्नीट्यूड बी नॉट हो जाएगा। ओके, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम। तो अब एक एक पॉइंट का देखते हैं। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी cos 0 1 आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम नॉट। बी वन की जगह पर आपने 2B0 रख दिया तो -2m0। बी पर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, थीटा 180 आएगा तो cos 180 -1 तो पॉजिटिव आएगी पहली बार। और बी थ्री बी नॉट है तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया। ओके, अब आई बात सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो सी पॉइंट ये रहा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हो गए। ठीक है, तो ये रहेगा cos 0 1। B4 कितना है, B0 है, ये आपके यहाँ से आ गया। तो ये मोस्ट नेगेटिव, ये मोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है और सबसे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन ये है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। राधे राधे।